तो नमस्कार। वीडियो की थंबनेल देखने से आपको पता चल गया होगा कि आज इस क्लास में क्या बताया जाएगा। चंडीगढ़ में जो फायरमैन की वैकेंसी निकली है ना, उसके बारे में कुछ डिटेल बताते हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को काफ़ी वैकेंसी निकले तो काफ़ी समय हो गया। 8 अप्रैल को ये वैकेंसी निकली थी, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी समय चलने के बाद में बहुत सारे बच्चों को कॉल आ रहे हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद में इसकी क्या सैलरी रहेगी। यानी अलग अलग इसके क्वेश्चन है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं सर इसकी स्टार्टिंग की डेट कब थी और उसकी लास्ट डेट कब है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मैंने फायरमैन का कोर्स कर रखा है या फायरमैन का कोर्स ना हो तब भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। वो सारी बातें अपने इस वीडियो में करेंगे। एज इसमें क्या रहेगी, सैलरी इस फायरमैन की अगर अपने पोस्ट चूज की है इसमें अगर सिलेक्शन हो गया तो अपनी सैलरी क्या रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हो गया सर एप्लीकेशन फ़ीस क्या है इसमें, ठीक है। फिर हो गया सर इसका फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा, भैया अपना अपने फॉर्म भर दिया उसके बाद में स्टार्टिंग में जो फिजिकल होगा तो फिजिकली क्या प्रोसेस है। उसके बाद में सर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं, भाई एग्ज़ाम के कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन से सिलेबस क्या रहेगा, यानी ये सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए भाई, जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने पूरे जितने भी फ्रेंड हैं जिन्होंने फायरमैन का कोर्स कर रखा है उन बच्चों को भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो चीज़ें भी देखें। चलिए अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ फायरमैन वैकेंसी रिक्वायरमेंट है, यानी नगर निगम जो चंडीगढ़ में फायरमैन की वैकेंसी निकली है उसकी बातें, अपनी सारी बातें अपने इस वीडियो में करेंगे। पहले बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। सर इस जो फॉर्म है उस फॉर्म को अपने अप्लाई किस प्रकार से करने हैं, हाँ इसमें दो प्रोसेस है। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। एक तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ने आपके लिए क्या क्या चीज़ आमंत्रण की है, ठीक है। दूसरी इसमें भी अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म होगा, गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर के चंडीगढ़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चंडीगढ़ की वेबसाइट है उस पोर्टल पे जाकर के अपने अपने फ़ोन से किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेटर रहेगा कि आप अपने नियर बाई किसी ई मित्र पे जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करवाइए। अप्लाई करवाने के बाद में इस जो फॉर्म की जो फीस है इसका एक चालान होगा, वो ऑनलाइन ना होकर के आप डायरेक्टली बैंक में इसकी डीडी कटवानी पड़ेगी। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले अपने अप्लाई हाउ टू अप्लाई। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग डेट की, यानी जो ये सर वैकेंसी निकली थी, जिनको पता है ना बहुत अच्छी बात है, अब जिनको नहीं पता वो ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से बहुत सारे से 5-4 बच्चों को पता चले वो भी अच्छी बात है। स्टार्टिंग इसकी डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट यानी जब ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी तो फॉर्म इसके स्टार्ट हुए थे 8/4/2021 और लास्ट इसकी है 3/5/2021। इसकी ये है डेट, जो चंडीगढ़ फायरमैन में वैकेंसी निकली उसकी ये है डेट, स्टार्टिंग डेट यानी 8/4/2021 से लेकर के 3/5/2021 तक अपने को टाइम है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो बच्चा देखने के बावजूद भी फॉर्म अप्लाई नहीं करता, लास्ट में ये अगर 3 तारीख तक भी फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको भी 5 दिन का बाद में टाइम मिलता है, ठीक है। वो भी 8 तारीख तक, 8 मई तक वो फॉर्म को यानी उसकी डीडी ऑनलाइन जो पेमेंट पे करने की जो प्रोसेस है वो फॉर्म भरने के बाद में कर सकता है। उसके बाद में बात करते हैं क्वालिफिकेशन, इस जो वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन है जो बच्चा है वो कम से कम 12th पास होना चाहिए। अब बहुत सारे ये बोल रहे हैं क्या सर इसमें फायरमैन का डिप्लोमा चाहिए, नहीं भाई, फायरमैन का जो डिप्लोमा है वो आपको बाद में ही काम आएगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ओनली 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, बाकी जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जैसे आपका आधार कार्ड हो गया वो डॉक्यूमेंट आपको देने ही होंगे। क्वालिफिकेशन में डिपेंड करें तो आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं सर इसमें एज क्या है और सैलरी क्या है। एज पर डिपेंड करती है कौन सी कास्ट से हो आप, जैसे जनरल की अलग एज होगी, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो अलग होगी, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो उसकी अलग एज होगी। बाकी मैं देख लेता हूँ इसकी प्रोसेस के अनुसार, भाई इसकी एज देखें तो जनरल और ईडब्ल्यू की जो एज है वो रहेगी 18 साल से लेकर 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। भाई जिनकी एज 18 से लेकर 37 तक है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात कर रहे हैं जनरल और ईडब्ल्यू की। उसके बाद में बात करते हैं एज की, उसके बाद में करते हैं ओबीसी। अगर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हो तो ओबीसी कैटेगरी में आप 18 से 40 इसकी एज दी हुई है, मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम आप अगर 40 ईयर के हो तो भी आप फॉर्म को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में है
एससी के विद्यार्थी है उनके लिए 18 से 42 साल का इसमें एज का क्राइटेरिया दिया गया है, 18 से 42। ये चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं, ये बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसकी एज क्या है। चलो ठीक है, बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट रहता है सर इसमें सैलरी क्या रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट ये रहता है कि सर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, इसमें सैलरी क्या रहेगी, क्या मैं ये फॉर्म भर दूँ, सैलरी क्या रहेगी। चलो बताते हैं, इसमें सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 5,910 रुपये से लेकर के 20,200। प्लस में इसमें 2400 रुपये, जीपी 2400 रुपये जीपी के भी ऐड किए गए हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। चंडीगढ़ अगर फायरमैन की वैकेंसी का अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अगर आप जनरल में ओबीसी में इन कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो फ़ीस लगेगी 1000 रुपये, 1000 रुपये है। और अगर आप पे एक्स सर्विसमैन या एससी कैटेगरी में अगर आते हो तो आपकी फ़ीस ओनली फॉर है 500, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में अपना क्वेश्चन है भाई, ठीक है, उसके बाद में सर फिजिकल टेस्ट की क्या प्रोसेस है। अगर फिजिकल टेस्ट स्टार्टिंग में होना है तो क्या प्रोसेस है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें अपने को 100 मीटर की दौड़ होगी, वो भी 6 kg अपने को वेट उठाना होगा और 1 किलोमीटर तक अपने को दौड़ना होगा। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, एक मिनट में 100 मीटर, 6 kg, वो भी 1 मिनट में, ठीक है। पहला तो ये हो गया, दूसरी इसमें हाइट भी है, भी लंबी कूद भी है, ऊंची कूद भी है, ठीक है, वो इसमें दी गई है। अगर हाइट की बात करें, हाइट जो जंप है वो होगी 4 फीट तक आपको हाइट जंपिंग करनी है, 4 फीट तक इसमें क्या करनी है, हाइट जंपिंग दी गई है। उसके बाद में लॉन्ग जंप है, वो 12 फीट तक आपको लॉन्ग जंप करना होगा। अगर फिजिकल टेस्ट आपको क्लियर करना है, 12 फीट किस क्या दिया गया है, लॉन्ग जंप। उसके बाद में रोप क्लाइंबिंग दी गई है 8 फीट, यानी 8 फीट ऊंचाई तक रोप पे आपको चढ़ना होगा, रोप क्लाइंबिंग करनी होगी, वो आपको दी गई है 8 फीट। उसके बाद में ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब अपना नेक्स्ट अपने पॉइंट पे बात करते हैं। अभी सर इसका जो एग्ज़ाम है कितने क्वेश्चन आएंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, ये बातें भी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन किस क्वेश्चन इसमें आएंगे। 100 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आपका जब एग्ज़ाम होगा ना, 100 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं सिलेबस की, तो टोटल सिलेबस बताएं तो वो भी बात है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे दूंगा, देख लीजिए भी किस प्रकार से इसका सिलेबस रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेगी। बाकी मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ, सारे सब्जेक्ट आएंगे। जैसे आपने इस ट्रेड में फॉर्म भर रहे हो, फायरमैन ट्रेड में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो ये इसका सिलेबस तो होगा ही होगा, प्लस में आपके पास हिंदी भी होगी, ठीक है, जीके भी होगा, ठीक है, इंग्लिश भी होगी, मैथ भी होगी, यानी ये सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन दिए गए हैं। प्लस में लास्ट इसमें पॉइंट आता है, एग्ज़ाम का सर सेंटर कहाँ रहेगा, ये भी पॉइंट अपने बात कर बता देते हैं। एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो चंडीगढ़ ही रहेगा। और लास्ट पॉइंट ये, क्या सर अलग अपने अगर मैं दूसरे स्टेट से हूँ तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो चंडीगढ़ फायरमैन की वैकेंसी है उसमें आप किसी भी स्टेट से हो तो भी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी इस भी चंडीगढ़ फायरमैन की वैकेंसी की प्रोसेस, कब इसकी लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट क्या है, कितनी इसकी सैलरी प्रोसेस है। नॉर्मली इसकी जो बेसिक जो पॉइंट है ना वो मैंने आपको बता दिए, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे देता हूँ, आप डाउनलोड करके वहाँ